इंदौर की बेटी गुलकी जोशी आजकल कई डेली सॉप में नजर आ रही है। हाल ही में वे सब टीवी के मशहूर कार्यक्रम मैडम सर में नजर आई थी। इसी के साथ गुलकी जी टीवी कलर्स समेत अन्य कई प्लेटफॉर्म पर भी दिख रही हैं। लेकिन गुलकी ने एक नया सफर अब शुरू किया। अब इंदौर की बेटी गुलकी जोशी को हम बतौर प्रोड्यूसर के रूप में देख सकेंगे। किस तरह से गुलकी अपने नए सफर की ओर बढ़ रही है, इसको लेकर गुलकी जोशी से खास बातचीत की हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा ने। सभी स्टार्स इंदौर को अपनी पहली पसंद मानते हैं, ऐसे में हमारे साथ आज मौजूद है गुलकी जोशी, जो कि हाल ही में सब टीवी पर टेलीकास्टेड मैडम सर में भी देखी गई थी। इसी के साथ ही कई सारे टीवी शोज में भी देखी गई। अगर हम रिसेंटली किसी शो की बात करें तो वो था मैडम सर, जिसमें आपको एज ए पुलिस ऑफिसर देखा गया था। सभी रोल्स में से आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से रोल में आया? आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे ऑफकोर्स मैडम सर करने में ही आया, बट सबसे मुश्किल मेरे लिए वॉज डूइंग पुरुष, जो कि एक प्ले है, बहुत क्लासिक प्ले है। वो एज एन एक्टर मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है, बट मज़ा तो सबसे ज़्यादा इज हसीना मलिक का। अच्छा, तो आपको इस तरह के रोल में क्या हम आगे भी देख सकते हैं? आई थिंक फिलहाल अभी जो है, अगर हम मुद्दे पर आए तो अभी मैं एक्टर की श्रेणी से थोड़ा सा बाहर निकल के एक प्रोड्यूसर बन रही हूँ, एक निर्माता बन रही हूँ। आपने पहले एक्टिंग की, उसके बाद अब आप अपनी प्रोड्यूसर की लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे में आपको कितना चैलेंजेस फेस करना पड़ा? क्योंकि एकदम ही डिफरेंट लाइफस्टाइल होती है दोनों की। एक्टिंग में आपको सिर्फ जाकर अपने आप पर काम करना होता है, एक्टिंग पर काम करना होता है, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर आपको पूरी चीज़ों पर ध्यान रखना होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक इससे अच्छा मौका और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे लिए एज ए प्रोड्यूसर खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करने का। बिल्कुल, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी गुलकी जोशी जी, जो कि खुद एक्टिंग भी कर चुकी है और अब एज ए प्रोड्यूसर अपनी लाइफ स्टार्ट करने वाली है। तो बिल्कुल जाकर जरूर देखिएगा प्ले, और इस तरह के कंटेंट आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहिए IBC 24 के साथ। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।